235 तो देश है, लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में एक ही कंपनी थायराइड की गोली क्यों बनाती है, आज तक दूसरी कंपनी क्यों नहीं है। लेकिन ये जब हमें समझ आएगा तब तक हम लुट चुके होते हैं, तब तक हम वो गोलियां खा के पैसे दिए जा रहे होते हैं डॉक्टरों को। अच्छा, एक मैं आप सबसे सवाल पूछता हूं, एक एग्जाम्पल दे के, कि जैसे थायराइड की बीमारी है, आप लोगों ने कभी सवाल नहीं करा, कभी सोचा नहीं कि पूरी दुनिया में 235 तो देश हैं, लगभग 800 करोड़ लोग रहते हैं, पूरी दुनिया में एक ही कंपनी थायराइड की गोली क्यों बनाती है, आज तक दूसरी कंपनी क्यों नहीं है। ओके, और टेस्ट की किट भी वही कंपनी बनाती है, तो क्या आपको लगता नहीं है कोई जाल हो सकता है, कोई स्कैम हो सकता है, कोई ट्रैप हो सकता है? आप बताओ, पूरी दुनिया में एक ही कंपनी वही किट बनाएगी, वही उसकी दवाई बनाएगी, दूसरा कोई बना नहीं सकता, और उसी कंपनी ने उसके पैरामीटर सेट करे। आज से 20 साल पहले थायराइड का जो TSH का पैरामीटर था वो क्या था? आज जो आपको 3 से 6 बोला जाता है ना, 2.5 से 2 से 6 के बीच में आपका TSH रहना चाहिए, 20 साल पहले कितना था? तो फिर पैरामीटर बदल के देते हैं, ये क्या करते हैं, जैसे एक गोल पोस्ट नहीं होती कि उसमें फुटबॉल जा सके, ये क्या करते हैं, फुटबॉल जाए ना गोल पोस्ट छोटा करते रहते हैं, थोड़ा टाइम ऐसा आएगा गोल पोस्ट ऐसे करे फुटबॉल ही नहीं जाएगी बीच में। अच्छा, थायराइड अगर आपका TSH अभी कितना है, 3 था, अच्छा अगर वो 200 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, छोड़ देते हैं ना सारी बात, 3 को 30 भी नहीं कहता मैं, तो कहता हूँ 200 हो गया तो क्या हो जाएगा, आप मम्मी का सिर फाड़ने लग जाओगे, दीवार में सिर मारने लगे, होगा क्या, क्या बिगड़ जाएगा, नुकसान क्या आएगा बॉडी में, फिर बता दो, एक मिनट, अगर लेवल बढ़ गया तो होगा क्या? लेकिन ऐसी ब्रेन वॉशिंग की गई है, भगवान का नाम मत लेना, वाहेगुरु नहीं जपना, पहला गोली खानी है सवेरे खाली पेट, ऐसी ब्रेन वॉशिंग। और आज भारत में 10 करोड़ लोग रोज गोली खाते हैं थायराइड की, हाइपो या हाइपर के नाम से, और गोली वही थायरोनॉम और आपकी अल्ट्रोक्सिन थायरोक्सिन, वही 3-4 गोलियां, वही एक ही कंपनी अबॉट। तो ये सारा ही बीमारियों में ऐसा, लेकिन ये जब हमें समझ आएगा तब तक हम लुट चुके होते हैं, तब तक हम वो गोलियां खा के पैसे दिए जा रहे होते हैं डॉक्टरों को। अब आप बोलो डॉक्टर ऐसा क्यों करते हैं, उनकी पढ़ाई लिखाई ऐसी है, जो कंपनियां कॉलेज चलाती हैं वो कंपनियां जो पढ़ाएंगी वही तो पढ़ के आएंगे ना। अगर बचपन में आपको सिखा दी कि ये भैंस है और ये गाय है, तो आप सारी जिंदगी उसको भैंस और उसको गाय ही बोलने वाले हो ना, क्योंकि आपको पढ़ा दिया उन्होंने ऐसा। हम बचपन में गैफ और क्या पढ़ के आए हैं, गैफ और गधा पढ़ते आए ना, गैफ और गाय भी तो पढ़ सकते थे, तो जो पढ़ाएंगे वही तो बोलेंगे। हमें क्या बोलते हैं, ए फॉर बी फॉर सी फॉर डी फॉर, अच्छा डी फॉर डॉग क्यों, कुछ और भी तो पढ़ सकते थे हम, डी फॉर डंकी भी पढ़ा है हमने। तो हमें जो पढ़ाया जाएगा बचपन में ब्रेन वॉशिंग के द्वारा, ये हमारी पढ़ाई लिखाई और जो मेडिकल साइंस है वो ऐसे ही चल रही है कि आपको वही चलेगा। भाई राजीव दीक्षित जी के भारत को विश्व गुरु बनाने के सपने को पूरा करने के प्रयास में एशिया का पहला 1000 बेड का इंटीग्रेटेड हॉस्पिटल शुद्धिग्राम हिम्स दिल्ली NCR मेरठ में खुल चुका है। इसके अलावा चंडीगढ़ डेरा बसी, नवी मुंबई, लखनऊ, गुरुग्राम, अमृतसर, दिल्ली, लुधियाना और देश के अन्य कई स्थानों पर भी हिम्स अपनी सेवाएं दे रहा है। हर किडनी फेल पेशेंट, लिवर पेशेंट और कैंसर के पेशेंट तक ये वीडियो पहुंचाकर आप भी इस मुहिम का हिस्सा बनिए।